इंदिरा गांधी स्मारक जो दिल्ली में स्थित है, यह दिल्ली का मुख्य आकर्षक केंद्र है। इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का आवास था। बाद में इसे संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। यहां आप राष्ट्रीय आंदोलन के दुर्लभ फोटो, नेहरू गांधी परिवार के व्यक्तिगत क्षणों और इंदिरा गांधी के बचपन की फोटो देख सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मारक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित एक संग्रहालय है। यह उस भवन में स्थित है जहां गांधी अपने प्रीमियर के दौरान अपने परिवार के साथ रहते थे और जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। संग्रहालय में गांधी और उनके पुत्र राजीव गांधी के अवशेष शामिल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में इन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकेडमी पुरस्कार, 1973 में FAO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में श्रीमती गांधी को अमेरिका ने मदर पुरस्कार, कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए इटली ने इसा बेला टी एस्टे पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय ने हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार वह 1967 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थी। 1971 में अमेरिका के विशेष गैलप जनमत सर्वेक्षण के अनुसार वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थी। पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित उपाधि दी गई। उनके मुख्य प्रकाशनों में द ईयर्स ऑफ चैलेंज, द ईयर्स ऑफ एंडेवर, इंडिया एवं लेख एवं भाषणों के विभिन्न संग्रह शामिल हैं। उन्होंने व्यापक रूप से देश विदेश की यात्रा की। श्रीमती गांधी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों का भी दौरा किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, जर्मनी के संघीय गणराज्य, गुयाना, हंगरी, ईरान, इराक और इटली जैसे देशों का आधिकारिक दौरा किया। श्रीमती गांधी ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, बोलीविया और मिस्र जैसे बहुत से देशों का दौरा किया। वह जापान, इंडोनेशिया, केन्या, जमैका, मलेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय अमेरिकी और एशियाई देशों के दौरे पर गईं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद में कमला नेहरू विद्यालय की स्थापना की थी। वह संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, हिंदी प्रचार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, पुस्तकालय समाज और जवाहरलाल नेहरू स्मृति निधि के साथ जुड़ी रहीं। विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाली श्री गांधी जीवन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती थीं।